दिया ना, कितनी बार कहा है जब भी कोई शुभ कार्य के लिए जा रहा हो तो उसे टोका नहीं करते। अब मैं क्या जानूं कि आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं? अरे नहीं जानती हो तो जाना करो ना जान। बता दीजिए ना जान जाऊंगी जान। अरे मैं उस रूसी कॉन्ट्रैक्टर के केमिकल प्रोडक्शन में काम कर करके परेशान हो गया हूँ। सैलरी कम और काम ज्यादा, ऊपर से दवाइयों के इतने लंबे लंबे नाम, साइक्लिन मोटर साइक्लिन जी जी। हाँ इसीलिए तो मैंने नौकरी बदलने का फैसला कर लिया है। यही कह रही हूँ, वो मिस्टर जोशी है ना, उन्होंने यही नुक्कड़ पर एक पाव भाजी की गाड़ी लगाई है। क्यों ना आप भी बगल में एक नींबू शरबत की गाड़ी लगाकर बैठ जाते। हाँ, वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक का कोई स्टॉल है ही नहीं, जब लोग पाव भाजी खाएंगे तो प्यास लगेगी ना, तो शरबत पीने अपने स्टॉल में आ जाएंगे, फिर पैसा ही पैसा। वाह वाह, अपने पति के लिए क्या पते का बिजनेस ढूंढ के निकाला है ना। वाह वाह वाह, नींबू शरबत वाला अच्छा लगा ना आइडिया। मैं आज ही मिस्टर जोशी से कह के वो स्टॉल और जगह की बुकिंग करवा देती हूँ। शट अप, मैं क्या अपनी पूरी जवानी नींबू निचोड़ते निकाल दूं? हां आज मैं एक नए जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, अगर सेलेक्ट हो गया ना तो फिर बंगला, नौकर, गाड़ी, हाँ साड़ियाँ, जेवर, पर्स वगैरह हमारे कदमों तले होंगे। सिर्फ मेरे पास एक अच्छा सूट होता ना तो क्या इंप्रेशन डालता मैं। अच्छा नहीं भाई, ये सवेरे सवेरे ये दोनों पनौती बहरे यहाँ कैसे टपक पड़े? कुछ काम था अंकल। आप कहीं बाहर जा रहे हो? हट पागल, मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप कहीं बाहर जा रहे हो। नहीं नहीं पागल, मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ। आनंद बेटे, तुम कहीं बाहर जा रहे हो? नहीं नहीं बहरी आंटी, मैं तो कहीं बाहर जा रहा हूँ। आप प्रिया से बात कीजिए, ये इस तरह के गिव एंड टेक में काफी माहिर है। अच्छा बाय बाय, बाय बाय प्रिया। आनंद, आज तुमने मुझे बाय क्यों नहीं कहा? नहीं कहा, अभी कह देता हूँ। इतने जोर से बाय बाय कहते हो? बाय बाय। प्रिया बेटी, ये हमारे घर की चाबी, हम दोनों सेकंड हनीमून मनाने जा रहे हैं। अच्छा, ऑल द बेस्ट अंकल जी। आंटी जी आपको भी। प्रिया, हम लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। मैंने इसे झूठ मूठ कह दिया कि मैं इसे तीर्थ यात्रा करवाने ले जा रहा हूँ करके। मैं जोर से बोला नहीं ना, नहीं तो सुन लेगी। प्रिया, मुझे तो लगता है शायद ये मुझसे झूठ बोल रहे हैं, तीर्थ यात्रा के बहाने वो मुझे। आप लोग खुशी खुशी जाइए और सही सलामत आइए। हाँ हाँ, लेकिन वो चाबी वो बराबर रखो। सुनिए जी, गाड़ी का वक्त हो गया। अरे चलो, गाड़ी का वक्त हो गया। अंकल जी, गाड़ी का वक्त हो गया है। नहीं नहीं, खाना ले लिया। ओफो अंकल जी, गाड़ी का वक्त हो गया है। गाड़ी का वक्त हो गया है। अरे चलो चलो, गाड़ी का वक्त हो गया। काश दुनिया के हर पति पत्नी ऐसे ही बहरे होते, ना कोई गिला ना कोई शिकवा। वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। हाँ आनंद सिन्हा। सॉरी सर। देखिए मैंने आपकी फाइल पढ़ ली है। गुड, थैंक यू सर, बैठ जाओ। खड़े रहो। सॉरी सर, एक्सक्यूज मी। हेलो, फादर मदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या अमेरिका से 10 बाप रिजेक्ट होकर वापस आ गए? सास की बदबू, परेशानी। देखिए मिस्टर गेंडा स्वामी, ये सास की बदबू से बाप रिजेक्ट होने के परसेंटेज पीछे 6 महीने से काफी बढ़ रहे हैं। अगर फिर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। हाँ हाँ, जर्मनी। सॉरी सर, आप ही को दे रहा है। जर्मनी भेजी हुई मदर्स की क्या रिपोर्ट से? ऑल इज अप्रूव्ड। गुड गुड, वेरी गुड। हाँ, ऑर्डर्स काफी बढ़ रहे हैं। ठीक है, कीप इट अप, कीप इट अप। हाँ, तो आ, मैं जानता हूँ सर, आप सप्लायर हैं। मेरा मतलब है सर, आप फादर मदर, नहीं नहीं नहीं, फादर मदर इंपोर्ट एयरपोर्ट, नहीं नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी की तरफ से विदेशों में गोरे गोरे एक्सपोर्ट क्वालिटी के माँ बाप सप्लाई करते हैं। क्या है आनंद जी, वहाँ एक ये विदेशों में छोटे छोटे बच्चे के पेरेंट्स हैं, लेकिन उनमें से उसके माँ बाप कहीं खो गए। हमारी कंपनी ऐसे बच्चों के लिए माँ बाप एक्सपोर्ट करती है। हिंदुस्तानी माँ बाप की वहाँ काफी डिमांड है। सर मैं आपकी कंपनी के उद्देश्यों से ना सर बहुत प्रभावित हुआ, मेरा दिल भर आया सर। मैं बैठ जाऊं सर? सॉरी सर। सर एक बात बताऊं, आपकी कंपनी बिजनेस के साथ साथ सोशल वर्क भी कर रही है। सर कभी आपने अगर मुझे एक्सपोर्ट के लायक समझा ना तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी सर। बैठ जाऊं? 50,000 तनख्वाह मिलेगी, काफी टूर्स पर जाना होगा। थैंक यू। एंड वन इंपॉर्टेंट एंड फाइनल कंडीशन, जाने वाला कैंडिडेट माँ या बाप होना चाहिए, वरना मातृत्व या पितृत्व की भावना को समझ नहीं सकता। नो प्रॉब्लम सर, मुझे आपकी हर कंडीशन मंजूर है सर। बैठ जाओ। हमारे ऑफिसर्स आपके घर आएंगे, आपकी फैमिली की सत्यता की जांच पड़ताल करेंगे। थैंक यू सर, बैठ जाओ। No, it's not possible, impossible. आनंद ऐसा कभी नहीं कह सकता है। मैं आपका साला हूँ जीजाजी, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अरे मैंने अपनी इन्हीं आंखों से उसे उस ऑफिस में जाते हुए देखा था। आनंद पे मुझको पूरा भरोसा है। ठीक है, अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो उसको यहाँ पे बुलाइए और उसी से पूछ लीजिए।
मंदा की नहीं, आनंद को भेज दो। बेवकूफ घर नहीं, हमारी कैबिन में। देखो जुमरू, अगर ये बात गलत निकली ना तो तुमको ऑफिस में से लात मार के फेंक दूंगा। यस सर। और हमारे घर के दरवाजे मेस के लिए बंद। यस सर। यस सर। आनंद, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन रहे सर? ये जुमरू कह रहा है कि तुम फादर मदर कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए। नक्की करके देखा सर। आनंद, तुमको यहाँ क्या कमी है? तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। हाँ, अभी हमको ठीक याद आ रहा है, जब तुम हमारे घर पे आए थे तब छाछ की जगह तुमने जा ली थी। छाछ में नमक होता है, तुमने हमारी साथ शक्कर हरामी की। मगर मेरी बात को सुनिए सर। मगर मगर छोड़ो, हमारी पास 8-8 बीवियां हैं, तुम चाहते तो एकाध ले जा सकते थे। जीता जी। सर, वो शादी, मेरा मतलब वो नौकरी में नहीं कर सकता सर। क्यों? वहाँ के मालिक की 8-8 बीवियां नहीं है क्या? सर, दरअसल उस कंपनी की कंडीशन है कि कैंडिडेट को बच्चा होना चाहिए। तुम तो बच्चा नहीं होने ना, मतलब कैंडिडेट को, मतलब कैंडिडेट का अपना बच्चा होना चाहिए, समझे? और आपको तो मालूम है सर कि मैं क्या बात, हर बात सुननी जरूरी है। दरअसल सर, मैं वहाँ अपनी कंपनी का फायदा कराने गया था सर। हमारी कंपनी का फायदा? हाँ। कैसे सर? हमारी कंपनी के जो टैबलेट्स है ना, बी ए फादर, बी ए मदर, उनके सैंपल्स वहाँ बांटने गया था सर। सैंपल्स बांटने के? क्यों सर? वहाँ बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बगैर बच्चों वाले होते हैं, लेकिन उन्हें नौकरी की भी सख्त जरूरत होती है, तो मैं वहाँ एक एक टैबलेट पहुँचा जाता हूँ ताकि वो जल्दी से जल्दी हरे भरे माँ बाप बन सके। एक टैबलेट मैंने चपड़ गंजू को भी दिया। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ कह सकता हूँ सर, अगर यकीन ना हो तो आप ये लिस्ट देख लीजिए सर, ये प्रूफ भी है। ये देखिए, जगन कामले, इसकी शादी के 7 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं हो रहा था, एक टैबलेट खाया, एक दिन में बच्चा आ गया। यार गोली की रेंज है। क्या कमाल का टारगेट है ना। और ये मोहम्मद लकड़ा वाला, ये बच्चा नहीं होगा, इसके डर से शादी नहीं कर रहा था, इसने टैबलेट खाई, सर शादी भी हो गई, बच्चा भी हो गया। ठीक है, ठीक है सर, मैं झूठ कह रहा हूँ सर? कह रहा हूँ सर, नहीं, जो बोले बोले, नक्की करके बोलिए ना सर। नहीं नहीं, तो फिर कौन झूठ कह रहा है सर? ये कह रहे हैं ना सर, तो सर जो आपके साथ झूठ करे, उस कंपनी के साथ फ्रॉड करे, उसके साथ क्या करना चाहिए? बोलिए ना कि ना कि ना कि। हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि ऐसे आदमी को चौकस जगह पे लाते हैं। चलो 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 चलो, आपके साले के साथ ऐसे कर रहे हैं। कहाँ से लाऊं, कैसे लाऊं, किधर से लाऊं? अरे बोनी, तो बड़े वक्त पे आ गया मेरे दोस्त, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बोल क्या चाहिए? जरा मुझे बच्चा चाहिए। इसमें मैं क्या तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? प्रिया भाभी, मधु भाभी दोनों से बात कर ले। वैसे प्रिया भाभी कहाँ है? अपने बेडरूम में। फिर तो परफेक्ट लोकेशन पे, परफेक्ट टाइम पे, परफेक्टली बात कर ले। मुझे भी जल्दी से चाचा बना दे। अरे यार, वैसा बच्चा नहीं, मतलब वैसा ही बच्चा, मगर वैसा नहीं, मतलब बच्चा हमारा ही पर हमारा नहीं, यानी कि हमारा बच्चा मगर तुम्हारा नहीं। मतलब अब मतलब मैं तू समझा करना यार। मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी? नहीं नहीं, ट्यूब नहीं, सिर्फ टेस्ट बेबी। टेस्ट बेबी? बल्कि टेस्ट भी नहीं, वन डे बेबी। डे एंड नाइट या डे बेबी? नहीं, डे एंड नाइट, वन डे बेबी। अरे आनंद, सीधे सीधे बता देना, लफड़ा क्या है? तू सीधे सीधे पूछ ना। सुनिए सर, एक जॉब है। चुछु चुछु। आज तो मैं इनसे कह दूंगी, बहुत इंतजार हो गया, अगर इन्हें ये नई नौकरी मिल गई तो ये तो टूर पर चले जाएंगे, फिर तो मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। हेलो हेलो, कौन? लालवानी अंकल। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? प्रिया बेटी, अगर मेरे पोता पोती ने तुम्हारे पास मेरे घर की चाबी मांगी तो मत देना। पोता पोती चाबी? वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बड़े लफंगे है वो, मेरा सारा घर साफ कर देंगे। सुनिए जी, प्रिया सुन भी रही है, आप यूं ही बड़बड़ा रहे हो। कट गया। अरे भगवान, ये प्रिया कुछ सुन भी रही थी या मैं यूं ही बड़बड़ा रहा था? लालवानी अंकल क्या कह रहे थे? पोता पोती चाबी? हाँ हाँ, शायद वो ये कह रहे थे कि अगर उनके पोता पोती यहाँ आ गए तो घर की चाबी दे देना। सिंपल, वो तो मैं जरूर दे दूंगी। देखिए, मुझे बहुत चिंता हो रही है, एक काम करते हैं, हम लोग घर वापस चले जाते हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, हम दोनों घर वापस जाते हैं, वैसे भी यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। हाँ। मैं मेरा स्वेटर भी भूल गया हूँ। ठीक है, आप खाने में क्या खाएंगे आज? नहीं 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 नहीं, किसी भी हालत में हमें जाना ही होगा। ठीक है, मैं आपके लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बना दूंगी। अच्छा, यानी तुम्हें भाड़े का बच्चा चाहिए? यार कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, बस एक बार ये जॉब मिल जाए, एक बार। अरे यार, तेरे हाथ में है थैला और तू है रोतेला, 2 दिन के लिए भोपू को यहाँ लेके आ। तू बावला तो नहीं हो गया? तू मधु और मेरे बारे में लाइव टेलीकास्ट करवाएगा क्या? एंड देन यू नो भोपू नंदन, ही इज ओवरग्रोन, ओवरवेट एंड ओवरस्मार्ट, वो प्रिया को, मधु और मेरे बारे में सब कुछ बता देगा। अरे यार, तूने बड़े बड़ों को टोपी पहनाई है, भोपू जैसे 10-12 साल के बच्चे से डर गए। अरे मैं क्यों डरूंगा, मैं क्यों डरूंगा? तो जा, टोपी पहना के लेके आ उसे, वैसे तेरे भाड़े के पैसे भी बच जाएंगे। हाँ यार, ट्राई करने में क्या हर्ज है,
मैं फौरन मधु के घर जाता हूँ, तब तक तू प्रिया भाभी को सारी उलझन समझा दे। नहीं नहीं, प्रिया भाभी से तू ही बात कर। अरे नहीं यार, इस वक्त मैं उसके पास गया तो मुझे बाहर जाने से रोक देगी। और मुझे भी रोक कर रखा तो? तुझे रोकेगी कमबख्त मारे। तू 2 साल से यहाँ पेइंग गेस्ट बन के छक मार रहा है, अभी तक 1 पैसा नहीं दिया, उसका सारा हिसाब प्रिया भाभी के पास है। हाँ, तुझे रोकना तो दूर की बात, तुझे तेरे सारे सामान के साथ बाहर फेंकने में भी उसे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ज्यादा नाटक मत कर, तू प्रिया भाभी को संभाल, तब तक मैं भोपू को पटा के आता हूँ। बगल आके ये इतना लंबा क्या बोल के गए? तो तुम एक शादीशुदा आदमी से शादी करना चाहती हो? हाँ, यस। कौन है वो खुशी से? वेल, मुझे अभी तक तो मिला नहीं है, लेकिन मेरा फैसला फाइनल है। ये आजकल की लड़कियां शादीशुदा मर्दों में इतनी दिलचस्पी क्यों लेती है? कोई खास बात? रेडीमेड का जमाना है भाई, अब किसी भी न्यूज़पेपर में किसी भी कंपनी की एड देखिए, वी वांट एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स, ट्रेनिंग, प्रोबेशन, इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं लेता। तो कैसा हस्बैंड चाहिए तुम्हें? 2 वाक्यों में टिप्पणी देना। यूं समझिए ना मेरे चीजें जैसा। स्मार्ट, हैंडसम, डायनामिक, फ्लर्ट, सेंसिटिव। सेंसिटिव? ये सब क्वालिटीज तो मुझमें भी है नताशा। रियली? यस। आप मेरे साथ अंदर चलेंगे? क्यों? चलियो ना। ओके ओके, तुम अंदर जाओ, मैं आता हूँ। ओके, आना हो। क्यों बुला? नहीं 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 नहीं, आप लगे रहिए। आप नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं आने वाला, मैं झांकने वाला भी नहीं। प्लीज, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। छोले वाले, आज तो तेरी छप गई छप गई छप गई। आनंद सिन्हा नशु तुम्हारे बारे में क्या करी थी? कितना डैशिंग, डायनामिक, डायनामाइट है ड्यूड। ये फोटो कितना फोटोजेनिक है। देखा, डैशिंग, अंदर डैशिंग चल रही है। मलाई अंदर हो रही है, धुलाई। मेरे राजकुमार अंदर पड़ रही है मार। क्या हुआ? इतने कम समय में एक प्रेस रिपोर्टर पे इतना बड़ा अत्याचार? एक प्रेस, इतनी जल्दी सब प्रेस हो गया? इसने मुझे मुझे शादी करनी है। क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो, जैसे तुम्हारी दीदी ने मेरी? मधु और भोपू का है, वो दोनों मम्मी के घर गए हैं। अच्छा अच्छा, अब 2 दिनों के लिए सिर्फ आप और मैं। वैसे मैं तो सिर्फ भोपू से मिलने आया था। ये साली है या महाकाली? ओफो, ये कैसी कंडीशन है नौकरी के लिए? अब बच्चा कहाँ से लाएंगे? कहीं से भी, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एसटी स्टैंड, जेल, अनाथ आश्रम, मधु आश्रम। मधु आश्रम? हाँ, सांता क्रूज में एक मधु आश्रम है, वहाँ और स्मार्ट बच्चे मिलते हैं। आनंद की काफी जान पहचान है वहाँ। आनंद वही गया है बच्चा देखने, पसंद आया तो खरीद लेगा। बच्चा कोई सब्जी तरकारी है कि आनंद बाजार से खरीद लेगा? वैसे बोनी भाई, मैंने आपके दोस्त से कहा था कि शादी के बाद प्लानिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आज अपना बच्चा होता तो। अपना? जी, अपना नहीं, हमारा, मेरा और आनंद का। वही तो। वैसे प्रिया भाभी, कितना वक्त लगेगा अगर आप और आनंद? मेरे कहने का मतलब था, अगर आप और आनंद किसी किराए के बच्चे को लाकर ट्रेन करें तो कितना वक्त लगेगा? ये तो उस बच्चे पर है ना। एक्सक्यूज मी, बच्चे आ गए, बच्चे आ गए। जी हम। नहीं नहीं, मैं सबको जानती हूँ, आप लोग लालवानी अंकल के पोता पोती है ना? जी देखिए। नहीं नहीं, कुछ कहने की जरूरत है ही नहीं, ये रही आपकी चाबी, आप दोनों की सूरत उनसे बहुत मिलती जुलती है। और देखो, किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे जरूर बता देना। हा? क्या नाम है आपका? चंगेज खान। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? किसी मैदान में जाके युद्ध कीजिए। मैंने आपसे नहीं, इनसे पूछा। जी मेरा नाम शर्मिली है और ये मेरा भाई शक्ति। बड़ा ही प्यारा नाम है, शर्मिली। बोनी भाई, हाँ जाइए ना जाइए, लालवानी सामने ही रहते। अरे हाँ, इनको तो मालूम ही है, पोता पोती जो ठहरे उनके। देखिए देखिए, आज आपको सब कुछ मिल जाएगा, खाना पीना, न्यूज़पेपर, मगर कल से ना आप लोग अपना अपना इंतजाम कर लीजिए। हाँ, नहीं नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आप लोग जाइए ना जाइए ना। बाय शर्मिली, बाय बाय शर्मिली, बाय। बच्चे ही तो है, बाय। एक पैकेट 666 देना यार। ये लो। ए, नोट फटा है क्या?
ये नोट फटा है? अबे तू फटा हुआ है, तेरी दुकान फटी हुई है, तेरा सर सिगरेट का पैकेट फटा हुआ है, चल जा भाग भागो, फटा हुआ है क्या मतलब है? खुद नोट फाड़ के लाता हूं क्या, जाकर सरकार से जाके नोट फटा तो मैं क्या करूं, सरकार के पास जाके क्या बापू? बहुत टेंशन में दिख रहा है, बहुत टेंशन में दिखाई दे रहा था, ट्रिपल सिक्स पीने जा रहा था। ट्रिपल सिक्स? टेंशन फ्री सिगरेट विदाउट तम्बाकू ओनली दुआ। तो क्या हुआ, आप उधर 5 करोड़ पे खड़ा था तो उधर वो शेठ आया, बोला लफड़ा क्या बाप, बोला ऐसा है ऐसा है ऐसा है, बोला अपू ना आएगा, 1 घंटे का 50 रुपया लेगा, 2 टाइम का खाना तुम्हारा, माँ खाएगा बाप। नो, नाम क्या है तुम्हारा? हमारा अकबर इंधने, कुछ भी रख लो। बोनी भाई, आपके दोस्त इस बच्चे को यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए? फादर मदर कंपनी के ऑफिसर सर है, उन्हें रिसीव करने गया है। ओ, तो ये हमारा बच्चा होगा? हमारा? ए, मेरा और आनंद का। क्यों, मैं आपका बेटा नहीं लगता हूँ? सच कहूँ तो आप मेरी माँ नहीं लगती है, लेकिन डोंट वरी मम्मी, मैं गाजर का हलवा खाने वाला बेटा भी बन सकता हूँ। आई एम अ प्रो। प्रो? प्रोफेशनल। ओ, प्रोफेशनल। ठीक है, मेरे पति ने तुम्हें और क्या क्या सिखाया है? मैं अमर आनंद सिन्हा, गुड 7th स्टैंडर्ड, वेरी गुड, होली क्रॉस हाई स्कूल, वेरी वेरी गुड। आप मेरी मम्मी? हाँ। और गोरा आनंद मेरा पापा। और तू बोनी? बोनी अंकल से बोनी अंकल। समझ गया, जल्दी करो, वो लोग आ रहे हैं, चलो हमें पढ़ाई शुरू करो। मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, मैं तो टीवी देखूंगा भाई। तेरी मार क्या? अरे अच्छा अच्छा, अरे वाह, तुम टीवी देखो, प्रिया तुम अंदर जाओ, बोनी तू क्या करेगा? मैं पड़ोस में घूम के आता हूँ। ओ मेरी, ओ मेरी, ओ मेरी शर्मिली, ओ मेरी, ओ मेरी। हेलो हेलो मिस्टर आनंद सिन्हा, अंदर है? आनंद सिन्हा, मैं बोनी मुर्गी वाला, आप कहाँ से है? जामनगर से। और आप? मैं आनंद सिन्हा के घर में रहता हूँ, पेइंग गेस्ट। मैं पुणे से हूँ, इंजीनियरिंग पास कर लिए, जॉब ढूंढ रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तुमसे एक बात कहूँ तो तुम नाराज तो नहीं होंगी? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें इतनी खूबसूरत नहीं, मगर तुम्हारे कान बड़े खूबसूरत है। कान? यस, और कानों में पहने हुए झुमके भी। थैंक यू थैंक यू। वैसे बोनू, बोनू। मिस्टर आनंद सिन्हा के घर में कौन कौन रहता है? हम तीनों, मैं, आनंद और प्रिया भाभी। पर बिन्स, बिन्स। उन्हें कोई बच्चा नहीं है? नहीं, कुछ प्लानिंग वगैरह का चक्कर है। देखो बिनू, कुछ देर पहले मैंने एक लड़के को मिस्टर आनंद सिन्हा के साथ आते हुए देखा। लड़का? हम्म। अरे हाँ, वो तो भाड़े का लड़का है। भाड़े का? तुम किसी से कहोगी तो नहीं? इतना सीक्रेट है तो मत बताइए, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। सीक्रेट तो है, मगर तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, सिर्फ तुम्हारे उस चंगेज खान भाई से कुछ मत कहना। नो नो नो। तो लाओ तुम्हारा खूबसूरत कान इधर। 11 साल, आपकी उम्र को देखकर आपका बेटा काफी बड़ा लगता है। 11 साल नहीं, 11 साल, दरअसल इस बच्चे की प्रेमेच्योर डिलीवरी हुई थी। आपकी शादी हो गई कितने साल हो गए? 8 साल। 8 साल? 8 साल में 11 साल का बच्चा? मैंने कहा ना कि ये हमारा प्रेमेच्योर बेबी है। प्रेमेच्योर बेबी? हाँ, मतलब इसका जन्म शादी के 3 साल पहले ही हो गया था, तो हुआ ना प्रेमेच्योर बेबी? हाँ हुआ। हाँ, तो हमारी शादी कितने साल हुए? 8। और 8 और 3 कितने हुए? 11। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा। फादर मदर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी भी बड़ी अजीब है, और उनकी कंडीशंस भी। हमें क्या करना है, आनंद की सैलरी बढ़ेगी और मैं पेइंग गेस्ट बना रहूंगा। बोले जी, आपकी शादी होगी? काश ये फ्रस्ट्रेशन वाला सवाल तुम मुझसे ना पूछती। यानी कि नहीं हुई? शायद कभी होगी भी नहीं। तुम्हारी हुई है? सिर्फ तय हुई है, लड़का जामनगर का ही है। ये सब हमेशा मेरे ही साथ क्यों होता है? बोनू भैया, राखी बनवाने जामनगर आओगे ना? शर्मिली बहन, मेरे दोनों हाथ और दोनों टांगों पे इतनी राखियां बांधी जाती है कि आप, तुम्हारे राखी के लिए कोई जगह खाली नहीं, फिर भी भेज देना, सर पे बांध के घूमूंगा। थैंक यू बड़ू, आज तूने उन बेवकूफ ऑफिसर्स के सवालों के हमले से हमें बचा लिया। वैसे तो अपन 1 घंटे का 50 रुपया लेता है, लेकिन तुम्हारे काम में जरा लफड़ा ज्यादा था, अपन 1 घंटे का 100 रुपया लेगा बाप। अरे तू 150 रुपया लेना, तू 150 रुपया ले। क्या आज तेरी वजह से तो मेरे को ये जॉब मिली है क्या? क्या बात है बाबा, आज तो अपन का लॉटरी निकल आया। भैया बेटी। ओहो, आ गए दोनों पनौती बेरे, जाओ इनके साथ गिव एंड टेक करो। जी। बड़े लुचे वाले। अरे अंकल जी आप। प्रिया बेटी, चाबी दो।
आपका घर खुला है, आपके पोता पोती आ गए। प्रिया बेटी मैं तो तुम्हें कहना ही भूल गई कि अगर हमारे पोता पोती आए तो उसको चाबी मत देना, वो बहुत ही लफंगिया और शरारती है, पूरा घर साफ कर डालते। वो जाने दो, चाबी दे दो। हाय राम, मैंने तो चाबी दे दी। अच्छा अच्छा, गुड गुड गुड, चाबी दो चाबी। अंकल जी आपके पोता पोती आ गए हैं और मैंने चाबी दे दी है। बहुत अच्छा किया प्रिया, लेकिन चाबी तो दो। अंकल जी आपके पोता पोती आ गए हैं और मैंने चाबी दे दी है। क्या? हाँ। अरे उन्हें चाबी नहीं देनी थी। हाय राम, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे क्या कह रही हो तुम? हाँ, बहुत जल्दी चलो, अब तो तुम लोगों का घर साफ हो गया होगा। हाँ, चलो, चलो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? ये लोग कहाँ चले गए घर खुला छोड़कर? हम लोग अभी आए। अरे चोरी तो नहीं हुई? ये क्या ढूंढ रहे मेरे पति? चोरी चश्मा हमेशा का है, कहीं भी रख देगा और पूरा घर ढूंढेंगे। मिल गई मिल गई, चलो सेफ है। क्या हुआ? कुछ नहीं। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है ठीक है। किसका फोन था? हाँ, दिल्ली से आपके पोते का फोन था, वो अगले महीने आ रहा है। चीख क्यों रही हो? पहले ये बताओ कि चाबी किसको दी? ए, चुप रह, हल तू बकबक करती रहती है। तुमने चाबी किसको दी थी? हे भगवान! प्रिया जल्दी से मेरी पैकिंग कर दो, फादर मदर कंपनी के ऑफिसर्स आते ही होंगे, शायद आज ही मुझे वर्ल्ड टूर में निकलना पड़े। मैंने आपकी सारी पैकिंग कर दी है, और हाँ मैंने ना आपके लिए दो सूट के ऑर्डर भी दिए हैं। सूट? सूट किस लिए? ओफ, वो पहली बार विदेश जा रहे हो तो सूट वूट पहन के जाओ ना। तुम मेरे कितना ख्याल रखती हो, लेकिन सूट के पैसे आए कहाँ से? अपने जेवर बेच के। ओहो, प्रिया प्रिया मेरी अच्छी पत्नी प्रिया। हेलो मिश्रा आनंद सिन्हा। अरे ऑफिसर साहब आप आ गए, ये बताइए कौन सी फ्लाइट से जाना है और कहाँ? अरे यही तो वो पोता पोती है जिनको मैंने चाबी दी थी ना। ये पोता पोती नहीं है, हमारे फादर एंड मदर कंपनी के डिटेक्टिव्स हैं, और इन्होंने ये भी पता लगाया है कि अमर आपका बेटा नहीं। आपके पास क्या सबूत है कि अमर हमारा सपूत नहीं है? हाँ, बोनी है, हमें सब कुछ बता दिया है। बोनी! हो गया, बड़ी अच्छी ताल है, मगर ये जॉब आपको नहीं मिल सकता। क्यों? मिस्टर आनंद सिन्हा कौन है? कानून की है चक्कर। अरे इंस्पेक्टर साहब मैं हूँ मैं। अच्छा, इस लड़के को आप जानते हैं? हाँ हाँ जानता हूँ। जी हाँ इंस्पेक्टर, यही वो लड़का है जिसे आनंद साहब कहीं से उठा कर लाए। अच्छा, यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर सिन्हा, ये लड़का अब भी लापता है और इसके माँ बाप ने कंप्लेंट लिखवाई है। नहीं नहीं, वो लड़का कब का यहाँ से निकल चुका है। लेकिन वो अभी घर नहीं पहुंचा है। अरे तो शायद किसी और के घर घंटे का 100 रुपए रेट पर चला गया होगा, अब हम क्या जाने। नहीं, वो आखिरी बार आपके साथ था और उसके बाद लापता हुआ है। आजकल बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवा कर अपना गुजारा करने वाले बहुत से शरीफ लोग रहते हैं इस शहर में। इंस्पेक्टर साहब आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। झूठ या सच का फैसला तो अदालत में होगा, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। चलो, ये रहा आपका सूट। तुम्हारा सूट? हाँ, अब सूट पहन के जेल चला जाता। चलिए